25 कंपनी ने घोषणा कर दिया डिविडेंड बोनस बायबैक स्प्लिट मर्जर डिमर्जर सारा कुछ जानकारी दूंगा, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। 7 हफ्ते की तेजी पर लगा विराम, अब मंगलवार को खुलेगा बाजार। जाने निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंट कहाँ है। 7 हफ्ते की लगातार तेजी के बाद इस हफ्ते बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। इस हफ्ते निफ्टी 0.5% की गिरावट के साथ 21,349 अंकों पर बंद हुआ। मिड कैप में 0.9% और स्मॉल कैप में 0.2% का गिरावट रही। FII ने नेट आधार पर 11,454 करोड़ रुपये और DII ने 6927 करोड़ रुपये की खरीदारी की। यह डाटा 21 दिसंबर तक के आधार पर है। ब्रिटानिया निफ्टी का टॉप गेनर और अडानी इंटरप्राइजेज टॉप लूजर रहा। ग्लोबल मार्केट में भी रही जोरदार तेजी। ग्लोबल मार्केट में भी जोरदार तेजी रही। 21 दिसंबर के क्लोजिंग आधार पर इस हफ्ते डाउ जोन्स में 2.8%, नेस्डेक में 2.5% तेजी रही। फ्रांस के CAC में 0.7% की तेजी रही और जर्मनी का DAX फ्लैट रहा। जापान के निक्केई में 2.1% और हैंग सेंग में 2.8% की तेजी रही। कोरिया के कोस्पी में 1.8% की मजबूती दर्ज की गई। 21,000 से 20,950 पर इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। सोमवार को क्रिसमस के कारण बाजार बंद रहेगा। SBI सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। 21,000 से 20,950 का स्तर इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ेगा। 21,400 से 21,450 के स्तर पर अवरोध बनता दिख सकता है। 21,232 पर निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। HDFC सिक्योरिटीज ने रिटेल रिसर्च प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि निफ्टी अगले हफ्ते 21,492 से 21,553 के स्तर पर अवरोध झेल सकता है। 21,150 के स्तर पर सपोर्ट बना हुआ है। सेल ऑन राइज का पैटर्न अगले हफ्ते देखा जा सकता है। ब्रोकरेज के टेक्निकल एनालिस्ट सुभाष गंगाधरन ने कहा कि निफ्टी 21,232 21,391 के रेंज में कारोबार कर रहा है। डाउन टर्न हबी दिख रहा है। अब ट्रेंड के लिए 21,593 का स्तर पार करना जरूरी है। 21,232 के स्तर पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। कई सेक्टर ओवरबॉट जोन में पहुंच गए। सेमको सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट ओम मेहरा ने कहा कि 21,000 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे 20,830 पर सपोर्ट है। अगर निफ्टी 21,600 का स्तर तोड़ता है तो यह 21,750 से 21,800 के न्यू हाई की तरफ बढ़ेगा। निवेशकों को सावधान होने की जरूरत है। कई सेक्टर ओवरबॉट जोन में पहुँच गए हैं। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है। इसका असर मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी दिखेगा। बाजार का टोन पॉजिटिव, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल के रिटेल रिसर्च प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि एक दिन की बड़ी गिरावट के बाद 2 दिनों से बाजार में तेजी है। IT, रियल्टी, मेटल एंड फार्मा में खरीदारी देखी गई। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व 2024 में जल्द रेट कट करेगा, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स पर दबाव है। बाजार के लिए अंडरलाइन टोन पॉजिटिव बना हुआ है। हॉलीडे सीजन शुरू हो गया, ऐसे में नियर टर्म में बाजार रेंज बाउंड रहने की उम्मीद। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। तगड़ी कमाई के लिए एक्सपर्ट ने चुने 3 मल्टीबैगर मिडकैप स्टॉक। जाने टारगेट समेत निवेश की पूरी डिटेल। मिडकैप स्टॉक टू बाय। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र के शेयर बाजार फ्लैट है। एक दिन के करेक्शन के बाद मिडकैप्स में फिर से तेजी जारी है। साल 2023 में निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में करीब 43% का उछाल दर्ज किया गया और ज़्यादातर शेयरों में शानदार रैली देखने को मिली। ऐसे में अब निवेशक क्वालिटी स्टॉक पर फोकस बनाकर रखे। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा ने इस कैटेगरी से 3 मिडकैप स्टॉक को निवेशकों के लिए चुना है। आइए टारगेट समेत निवेश की पूरी डिटेल जानते हैं। NLC इंडिया शेयर प्राइस टारगेट। एक्सपर्ट की पहली पसंद NLC इंडिया शेयर है। इस शेयर में 5% से ज़्यादा की तेजी और यह 220 रुपये के स्तर पर है। 2023 में अब तक स्टॉक ने 160% का रिटर्न दिया। इसके लिए 250 रुपये का टारगेट और 205 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है। इस स्टॉक के लिए 52 बिका है 227 रुपये, ऑल टाइम हाई 278 रुपया है। नेक्स्ट कंपनी कल्याण ज्वेलर शेयर प्राइस टारगेट। एक्सपर्ट की दूसरी पसंद कल्याण ज्वेलर शेयर है। यह शेयर करीब 2% की तेजी के साथ 333 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 2023 में स्टॉक ने 165% का रिटर्न दिया। इसके लिए 365 रुपये का टारगेट और 320 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है। इस स्टॉक के लिए 52 वीक का हाई 360 रुपये और इसका ऑल टाइम हाई भी है। KPT टेक्नोलॉजी शेयर पर टारगेट। एक्सपर्ट की तीसरी पसंद KPIT टेक्नोलॉजी शेयर है। 0.5% की तेजी के साथ यह शेयर 1530 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 2023 में स्टॉक ने 120% का रिटर्न दिया। एक्सपर्ट ने 1650 रुपये का टारगेट और 1500 रुपये का स्टॉप लॉस दिया। इस स्टॉक के लिए 1640 रुपये ऑल टाइम हाई है, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है।
बजट 2024 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर होगा निर्मला सीतारमण का फोकस। बजट 2024 यूनियन बजट 2023 में सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटित किए थे। इसमें 1.85 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए थे। सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर फोकस बढ़ाया है। कई रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें चलाई जा रही है, नई रेल लाइन बनाई जा रही है। इसका असर रेलवे से जुड़ी कंपनियों पर पड़ा है। उनके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। 2024 में भी रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। यूनियन बजट 2024 में रेलवे के लिए सरकार आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर भी फोकस बढ़ा सकती है। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए गए थे। सरकार ने रेलवे आधुनिकीकरण पर फोकस बढ़ाया है। कई रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वंदे भारत जैसी नई ट्रेनें चलाई जा रही है, नई रेल लाइन बनाई जा रही है। इसका असर रेलवे से जुड़ी कंपनियों पर पड़ा है। उनके शेयरों में तेजी देखने को मिली है। 2024 में भी रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी जारी रहने की उम्मीद है। सरकार के बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। नई रेल लाइनों के लिए 45,000 करोड़ रुपये आवंटन प्रस्तावित। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से रेलवे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रोजेक्ट रेल नेटवर्क से इंडिया, सऊदी अरब, यूएई और यूरोप के कनेक्ट करेगा। यह रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही इससे ग्रोथ की रफ्तार तेज होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में कैपिटल आउटले बढ़ने से रेलवे से जुड़ी कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में सरकार ने नई रेल लाइनों के लिए 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। रेलवे सेफ्टी फंड के लिए 45,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। रेलवे के लिए ज़्यादा पैसे के आवंटन से रेलवे की सूरत बदल रही है। 7 दिसंबर 2023 तक 68 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च किया जा चुका है। सरकार ने ऐसे ही 400 ट्रेनें शुरू करने का प्लान बनाया है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ट्रेन से सफ़र करने का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। रेल मंत्रालय ने आत्म भारत स्टेशन स्कीम की भी शुरुआत की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार ने आधुनिक बनाने के लिए 309 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। इस वित्त वर्ष में पैसेंजर सुविधाएं के लिए 13,355 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेन चलाने का प्लान। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली 35 ट्रेनों के लिए 2,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इन्हें हेरिटेज हिल स्टर्स पर चलाया जाएगा। इससे रेलवे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि इंडियन रेलवे को नेटवर्क बहुत बड़ा है। सरकार क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर फोकस बढ़ा रही है। NPST बोनस की मीटिंग है 26 दिसंबर को। बोनस रेशियो अच्छा आने पर स्टॉक में अपर सर्किट लग जाती है। नेक्स्ट कंपनी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक 3:1 बोनस का एक स्टेट है 2 जनवरी को। अक्सर स्प्रिंटेक्स डिविडेंड देगा 1 पैसा प्रति शेयर एक्स डेट अपकमिंग। केन फिनहोम डिविडेंड देगा 2 रुपया प्रति शेयर एक्स डेट 29 दिसंबर है। अगली कंपनी का नाम है सिंक्लेयर होटल। बोनस देगा 1:1, 1 पे 1 फ्री शेयर मिलेगा। एक्स डेट आते ही चैनल पे अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अच्छा बोनस का एक्स डेट जब आता है तो स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। अगली कंपनी का नाम है पर्ल ग्लोबल। स्प्लिट करेगा 1:2, 1 शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट होगा। टाटा मोटर मर्जर करेगा 7:10, 10 शेयर DBR के बदले टाटा मोटर का 7 शेयर मिलेगा। परसिस्टेंट सिस्टम डिविडेंड प्लस Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 20 जनवरी को। JSW स्टील Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 25 जनवरी को। अगली कंपनी एंजल वन प्रत्येक क्वार्टर रिजल्ट के साथ ये भी करीब करीब डिविडेंड दे ही देता है। डिविडेंड प्लस Q3 रिजल्ट की मीटिंग है 15 जनवरी को। टिगर लॉजिस्टिक्स स्टॉक स्प्लिट के मीटिंग है 9 जनवरी को। सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग बोनस देगा 4:1, 1 पे 4 शेयर मुफ्त में मिलेगा। एक्स डेट आते ही टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, इसलिए प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब 4:1 बोनस आया था तो सबसे पहले हमने टेलीग्राम पे अपडेट दिया था, स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी दिया था, 3 टारगेट दिया था
जो कि 3 दिन में हिट हो गया। अगली कंपनी का नाम है केन फिन होम, डिविडेंड देगा 2 रुपया स्टेट 29 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी वेदांता, डिविडेंड देगा 11 रुपया प्रति शेयर, स्टेट 27 दिसंबर है। अगली कंपनी का नाम है संदूर मैगनीज, 5:1 एक बोनस देगा स्टेट अपकमिंग, स्टेट आने के बाद स्टॉक में रैली होगा, स्टेट टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेस्ले 1:10 स्प्लिट करेगा स्टेट 5 जनवरी है। कोचिंग सीपीआर 1:2 स्प्लिट करेगा एक्सटेट 10 जनवरी है। HMA एग्रो प्रोडक्ट 1:10 स्प्लिट करेगा और शेयर भी 10 भागों में विभाजित हो जाएगा एक्सटेट 29 दिसंबर। स्टैंडर्ड कैपिटल 1:10 स्प्लिट।